खुशी और गम ये दोनों चीज़ें हर किसी का लाइफ का एक पार्ट होता है। खुशी भी रहता है, गम भी रहता है। किसी का किसी में खुशी ज़्यादा होता है, गम कम होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन रियल में ये होता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा रखते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल पे सुप्रिया के नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं 5 बजे उठी, 4:45 बजे मैं नहीं उठी, क्योंकि आज खाना बनाना थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से मैं 15 मिनट लेट करके उठी। जो भी हो, पतिदेव का टिफ़िन रेडी हो गया, बच्चों का टिफ़िन रेडी हो गया, पतिदेव को भी मैंने नाश्ता दिया, अभी पतिदेव खा रहे, खाने के बाद तुरंत जाएगा ऑफिस। आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ ज़रूर आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आएगा। सुबह का टाइम बाहर जाने से पहले ना फ्रेंड्स, सभी को ही भगवान को प्रणाम करके फिर बाहर जाना चाहिए। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर बच्चों को छोड़ने के लिए, थोड़ा टाइम के बाद मैं आ जाऊँगी। घर आने के बाद मेरा योगा हो गया आज ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉकिंग किया मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं दिया वॉकिंग के लिए, क्योंकि मेरा पैर में ना कैसे तो खींचा खींचा लग रहा था, इसी में सोची ज़्यादा करूँगी ना तो पेन बढ़ सकता है, इसकी वजह से थोड़ा वॉकिंग करके मैं आ गई। घर में आने के बाद थोड़ा बहुत योगा भी किया, चाय मेरा पीना हो गया, फिर मैं आ गई डायरेक्ट किचन में। तो किचन में आने के बाद मैं आज बनाऊँगी सबसे पहले बच्चों का पसंदीदा भिंडी फ्राई, दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं आज सबसे पहले भिंडी फ्राई बनाने के लिए आ गई। भिंडी जैसे मैंने काट लिया, फिर मैं सोच रही थी करेला भी काट लेती हूँ, तो चूल्हे का एक साइड में भिंडी और दूसरे साइड में मैं करेला भी बिठा सकती थी, तो इसकी वजह से करेला काटने के लिए मैं आ गई। और ये सब्जी, दोनों सब्जी ना कल ही लेके आए, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम फ्रेश लग रहा था, इसीलिए मैं सोची आज ज़्यादातर मैं सब्जी बनाऊँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब ये मैं अकेले नहीं, हम लोग बहुत किसी ने ये चीज़ नोटिस किया, इधर का करेला मतलब नासिक का जो करेला होता है ना, क्या बोलते उसको, करेला तो उसका ना करवाहट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंगाल में करेले का करवाहट बहुत ही कम है। हम हल्का फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन इधर ना बहुत ज़्यादा फ्राई करके फिर खाना पड़ता है, तो भी उसके साथ या तो आलू या तो कद्दू फ्राई करके फिर हम खाते। सूखा सूखा करेला फ्राई ना इधर होता ही नहीं है खाना हम लोगों से। सुनाई में आ रहा है फ्रेंड्स, इस बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से गर्मी के लिए मेनली एक करेला हम तो हफ्ते में 2-3 दिन बनाएंगे ज़रूर। और एक बहुत ख़ास बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप सब भी घर पे कर सकते हैं ये चीज़, लोहे का कढ़ाई में ना कोई भी फ्राई किया हुआ चीज़ में करती हूँ, मतलब फ्राई करने के लिए मैं लोहे का कढ़ाई यूज़ करती हूँ। लोहे का कढ़ाई में क्या होता है ना, फ्राई ना जलता ज़्यादा नहीं है, और अच्छा करके एकदम खुला खुला जैसा होता है। पूरी वगैरह तो मैं इसमें ही करती हूँ, लेकिन कोई फ्राई, आलू फ्राई, परवल फ्राई, कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए भी लोहे के कढ़ाई में यूज़ करती हूँ। करेला फ्राई तो हम लोग खाली नहीं खा सकते ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से उसके साथ में आलू भी फ्राई करूँगी, और लास्ट में करेला और आलू दोनों एक साथ फ्राई करूँगी, अच्छा लगेगा और हम सबको पसंद भी होता है। आप लोग भी घर पे एक बार करके खा सकते हैं फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ आप सबको भी अच्छा लगेगा। करेला तो हो गया, तो वही कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल के मैं आलू फ्राई भी कर लेती हूँ, तो एक साथ मेरा दोनों फ्राई हो जाएगा, और भिंडी फ्राई मैं बाद में करूँगी। एक बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब एक हफ्ता के अंदर ही मेरे साथ इतना ख़राब सब सिचुएशन चल रहा था, मेरा तबीयत ख़राब, मेरे दोनों बच्चों का, मेरा पति देव का, सबका तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब ही चल रहा था, तो मेरा मन इतना ख़राब हो गया था ना, मैं जैसे फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। फिर मैं सोच रही थी मैं तो इधर अकेला क्या करूँ, पतिदेव जाता है ऑफिस, दोनों बच्चों को पूरा दिन भर संभालना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, फिर ब्लॉगिंग करना, तो मैं सोची जो भी हो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ऑल टाइम लाइफ में पॉजिटिव ही सोचूंगी तो भगवान भी पॉजिटिव ही करेगा। कभी कभी सोचती हूँ नेगेटिव चीज़ आ ही जाता है दिमाग में, लेकिन अब से मैं नहीं सोचूंगी, कभी आ भी गया ना तो नेगेटिव चीज़ को मैं बाहर निकल के रखूँगी। अभी इतना ज़्यादा गर्मी, और ये गर्मी इस बार तो चारों तरफ ही ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन कलकत्ता का गर्मी पूरा अलग है फ्रेंड्स, पूरा फोड़िया आ जाता है, घमौरिया आ जाते हैं। बच्चों का थोड़े दिन के बाद स्कूल में छुट्टी लग जाएगा, मन तो कर रहा था घर पर जाऊँ, लेकिन इतने गर्मी है ना, एक बार सोचती हूँ जाना है, दूसरा बार सोचती हूँ नहीं जाना है। मैं एकदम सिंपल वाला खाना आज बना रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत मतलब बहुत, पसीना पसीना हो रहा है,
और अभी बज गए सुबह का 11। तो मैं आज बनाई आलू और करेला फ्राई, जो मैंने आप सबको दिखाया। और इधर का दाल बनाई अलग टाइप का, ये वाला दाल मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया, मूंग दाल टमाटर डाल के। लेकिन मैंने जब मूंग दाल को बॉईल किया था तभी इसके अंदर टमाटर तेल थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तेल देना चाहिए जरूर, टमाटर तेल नमक हल्दी सब एक साथ मैंने दे के 2 सीटी के लिए बिठा दिया, ऊपर से तड़का लगा दिया, हो गया दाल खत्म। अभी और एक फ्राई में बनाऊंगी, दिखाती हूँ। ये है बीट रूट, इसका भी मैं फ्राई बनाऊंगी। बहुत कोई सोचता है फ्रेंड्स मैं डेली बहुत ही हल्का खाना बनाती हूँ, रिज वाला खाना नहीं बनाती, ऐसा बात कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं हाँ हल्का खाना हफ्ते में 3-4 दिन बनाती हूँ, बाकी का 2 दिन में रिज वाला खाना बनाती हूँ तेल मसाला डाल के। लेकिन मैं कभी भी बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। सुबह से ना मैं अभी तक चाय नहीं पी, इतना गर्मी लग रही थी ना, लेकिन चाय का आदत है। आज मैं दाल और 3-4 टाइप का फ्राई बना रही हूँ, लेकिन हर फ्राई में ही तेल बहुत ही कम यूज हो रहा है फ्रेंड्स। मैं ज्यादा तेल डाल के कुछ भी फ्राई नहीं बनाऊंगी। सुबह फ्रेंड्स मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद चाय बिठाई थी, लेकिन मैं स्टील का ग्लास में पीती हूँ, तो अभी गर्मी के टाइम में ना इसकी स्टील का ग्लास और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैं सोची अभी 15-20 मिनट में रख देती हूँ फैन के नीचे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में पीऊँगी। और देखिए ठंडा तो ठंडा, वो तो पूरा पानी की जैसा हो गया। जैसे मैंने एक घूंट लिया इतना बेकार सा लग रहा था, फिर मैंने चाय तब पिया ही नहीं, तो तभी का चाय मैं अब भी 12:15 बजे पी रही हूँ। बीटरूट ग्रेट करना होगा, ये देखिए बहुत अच्छा करके किया, सही बोल रही हूँ, हम सबको पसंद भी है। नहीं मेरे दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पसंद है, मेरे पति देव को पसंद है। तो ये कर लूंगी, किचन का काम खत्म हो जाएगा, बर्तन झाड़ू पोछा तो इसके बाद ही लगा रहेगा। आज मेरा प्लान है 2-3 एक्स्ट्रा काम करने का। बंगाली लोगों के अंदर आज गुरुवार के दिन ना लक्ष्मी माता का बुक पढ़ना पड़ता ही है, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, जितना हो सके उतना करना तो पड़ेगा, मेरे साथ बने रहिए। शादी के बाद ना फ्रेंड्स बहुत सारा बात दिमाग में आ जाता है और समझदारी भी थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। तो जब शादी के बाद मैं नासिक में आई, उसके थोड़े दिन के बाद ही मैं देखती थी, अरे ये तो बहुत सज धज के बाहर जा रही है, ये तो बहुत खुशी मना रही है। मतलब जब मैं नई नई दुल्हन थी तभी का बात मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स। फिर धीरे धीरे करके एक दो करके ऐसा ही फ्रेंड होने लगा उधर, तो जब बात करने में शुरू कर दिया फ्रेंड लोगों से, तभी धीरे धीरे पता चलता था दूर से वैसा ही दिखाई देता है, सब खुश है सब खुश है, लेकिन रियल में ऐसा ना होता नहीं है। हाँ कम ज़्यादा सभी होता है, ऐसा नहीं सब पूरा खुश है और पूरा दुख में है, ऐसा कुछ भी नहीं। खुशी और दुख सबके अंदर ही रहता है, जैसा हम कहते हैं तो आप सबको पता चलता है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप सबको पता बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा ही है। पूरा खाना बनाना हो गया, किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया फ्रेंड्स, लेकिन बर्तन अभी तक नहीं धोया। तो जो भी हो मुझे ना ये चावल का ड्रम धोना है, तो मैं सोची जो थोड़ा बहुत चावल है उसको मैं अलग से रख दूँगी, और फिर मैं चावल का ड्रम धो के उसका अंदर मैं इस महीने का चावल रखूँगी। इस महीने का चावल मैंने अभी तक ड्रम के अंदर नहीं रखा, ये पुराना चावल है, इसीलिए मैं इसको अलग करके ड्रम धोने के लिए लेके जा रही हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ फ्रेंड्स तभी तो हल्का हल्का एकदम मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ एकदम ऊपर से, लेकिन सब काम होने के बाद मैं अच्छा करके मतलब डीप क्लीन करके झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो इस बार जो मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा कचरा निकलता है, मैं सोचती हूँ इतना सारा कचरा डेली कहाँ से आता है। एकदम सुबह के टाइम जब खाना बनाते हो ना फ्रेंड्स, तो कभी कभी लगता है 2 चूल्हा कम हो जाता है सुबह के टाइम, इसके साथ अगर और 2-3 चूल्हा एक्स्ट्रा जुड़ जाता था ना तो और भी मतलब जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ हो जाता था। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ और एक नया चूल्हा ले लूँ, फिर सोची अरे ये पुराना वाला तो अच्छा ही चल रहा है, क्यों बेकार में पुराना वाला फेंक के मैं नया ले लूँ। और ये वाला चूल्हा ना मेरा शादी का पहले का ही चूल्हा है, लेकिन देख के नहीं लगता है ना फ्रेंड्स, इतना चमकदार करके मैं रखती हूँ।
खाना बनाना, बर्तन झाड़ू पोछा सब काम मेरा हो गया, कपड़ा धुलना हो गया, तो बाकी रह गया चावल का पॉट धुलना और फ्रिज का अंदर का सब्जी का पॉट धुलना। तो ये दोनों काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी बोल के मैं रख दिया। मैं सुबह से सोच रही थी धुलूँगी धुलूँगी, फिर मैं सोची ये दोनों काम मैं लास्ट में करूँगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। चावल का पॉट मैं हर बार नहीं धोती हूँ, 2-3 महीना गैप गैप में धोती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चावल का पॉट हर बार धुलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट करके धुलती हूँ। लेकिन ये सब्जी रखने वाला पॉट में महीने में 2 बार धो ही लेती हूँ, क्योंकि पुराना सब्जी ख़त्म हो जाता है तो इसका अंदर कैसे तो काला काला हो जाता है, फ्रेश फ्रेश सब्जी रखने के टाइम ही मैं धो लेती हूँ। एकदम सुबह के टाइम ना फ्रेंड्स खाना बनाना छोड़ के दूसरा काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। जितना टाइम ज़्यादा होता है उतना मुझे इंथू ज़्यादा आता है काम करने के लिए, इसीलिए सुबह के टाइम में उठ के पहले किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में बाकी का सब काम करने के लिए आ जाती हूँ। दोनों डब्बा धुलने के बाद में सोची बाथरूम भी अच्छा करके क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि धुलने के टाइम में बाथरूम में भी बहुत सारा गंदगी रह जाता है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से बाथरूम को भी एक बार में झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छा करके, तो बाथरूम भी अच्छा रहेगा। आज गुरुवार है फ्रेंड्स, तो आज गुरुवार के दिन हम लोग लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, तो घर में जो फल रहता है वही फल से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। लेकिन मैं बचपन में देखती थी मेरी मम्मी गुरुवार के दिन मिठाई वगैरह फल वगैरह डाल के पूजा करती थी, लेकिन इधर तो मिठाई लेना मतलब ना के समान होता है फ्रेंड्स, बहुत महंगा रहता है, इसकी वजह से फ्रूट ही रहता है घर पे, तो उसी से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा धूप है फ्रेंड्स, तो सुबह ही मैंने कपड़ा धुल के दिया था बाहर, फिर अभी देख लीजिए सब कपड़ा एकदम सूखा हो गया। ठंडी के मौसम में अब सबको तो पता ही है भगवान का नाम लेके 3 दिन तो रहता ही है बाहर बालकनी में कपड़ा, तो भी अच्छा करके सूखता नहीं है। अभी धूप नहीं है बालकनी में बिल्कुल भी, लेकिन इतना ताप है तो ताप की वजह से 3-4 घंटे के अंदर कपड़ा पूरा सूख जाता है, इसीलिए मैं फटाफट कपड़ा फोल्ड भी कर लेती हूँ, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। चावल का ड्रम क्लीन करने से पहले मैं जो चावल निकाल कर रखी थी ना फ्रेंड्स, तो इतना सा चावल मैंने धूप में रखा था। एक्चुअली हम लोग जो चावल खाते हैं बॉयल राइस, इसमें कीरा मतलब ना के बराबर होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कीरा, और मंथली का मंथली लेके आता है इसीलिए कीरा लगने का कोई सवाल भी नहीं होता है, तो भी इतना सा था बोल के मैंने धूप में रख दिया। अब एक छोटा सा पॉलीथीन का अंदर मैं उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि नया चावल और ये चावल मैं एक साथ नहीं मिलाऊँगी, इसकी वजह से अलग करके रख रही हूँ। लगभग सभी काम मेरा हो गया, तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चों को जब लेने के लिए जा रही हूँ, मैं सोच रही थी चावल का ड्रम भी उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि चावल का ड्रम इतना टाइम में सूख गया, वो अभी उठा कर अंदर रखूँगी, फिर शाम के टाइम में नया चावल उसका अंदर डाल दूँगी। दोपहर के बाद मैं अभी आ रही हूँ शाम के टाइम फ्रेंड्स आप सबके सामने, तो अभी पूरा शाम के 5:30 बज गए, तो हम तीनों मिलके सो गए थे स्कूल से आने के बाद, बच्चे खा पी के बच्चों के साथ साथ में ही भी सो गई, तो शाम में उठने के बाद भी बिठा दिया चाय, क्योंकि नींद से उठने के बाद तो थोड़ा बहुत चाय लगता ही है फ्रेंड्स। अभी मैं पीऊँगी चाय और मेरे दोनों बच्चे गए स्केटिंग क्लास में, जो उन दोनों का डेली का रूटीन है, स्केटिंग क्लास करके आने के बाद तो भूख लग जाएगी, फिर मैं चाय पीते पीते सोचती हूँ बच्चे के लिए क्या बनाना है। शाम के टाइम जब मैं चाय लेके बैठती ना फ्रेंड्स, तो टीवी भी मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि टीवी देखते देखते चाय पीना अच्छा ही लगता है, और एक्चुअली अभी तो घर में बच्चे भी है नहीं, पतिदेव भी है नहीं, तो इसकी वजह से कार्टून भी नहीं चलेगा और न्यूज़ भी नहीं चलेगा, तो मैं मेरा मन पसंदीदा कोई भी सीरियल देखना चालू कर देती हूँ, उसके साथ साथ चाय भी इंजॉय करती हूँ। मेरे दोनों अनमोल रतन स्केटिंग क्लास से आने के बाद फ्रेश हो गए और पीछे पीछे पतिदेव भी आ गए, तो मैं अभी जाऊंगी किचन में, लेकिन अच्छा से आराम से मैंने चाय पी लिया फ्रेंड्स, तो किचन में जाने के बाद देखती हूँ तीनों के लिए क्या बनाना है। मेरा पतिदेव ऑफिस से आने के बाद मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बोतल टिफ़िन का डब्बा मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं घिसूँगी, मैं सबके अंदर पानी डाल दूँगी तो स्मेल चला जाता है, और सब रात में खाना खाने के बाद सब कुछ मैं बर्तन के साथ साथ ये सब भी मैं घिस देती हूँ।
ऑफिस से आने के बाद और बच्चे दोनों स्केटिंग से आने के बाद तीनों को ही मैंने मुरमुरा और बहुत सारा मिक्सचर डाल के दे दिया। बच्चे भी पति भी तीनों मिलके एक साथ इकट्ठा बैठ के खा लेंगे। और मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आटा गूंदना मेरा अभी तक हुआ ही नहीं। इसमें थोड़ा सा ना मुझे टाइम भी लगता है और मुझे आलसीपन भी आता है आटा गूंदना। आटा गूंदना हो गया फ्रेंड्स, सही में पूरा दिन भर जितना सारा एंथू रहता है ना, शाम होते होते एंथू ना मेरा कम हो जाता है। तो जो भी हो, पतिदेव और दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, दोनों मतलब तीनों खा रहे। नहीं, मैंने नहीं खाया, हर टाइम मुझे खाने का ना शाम के टाइम मन नहीं होता है। तो आटा गूंदने के बाद मैं डायरेक्ट आगे सोफे में बैठने के लिए, अब बहुत रात भी हो गया, थोड़ा टाइम बैठ में रोटी बनाऊंगी और सब्जी। मेरा दोपहर का आप सबको तो मैंने दिखाया, तीन टाइप का भाजी बनाई, दाल बनाई, थोड़ा सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा है और चावल भी है, जिसको जो मर्जी चाहे खा लो। मैं अलग से कुछ भी सब्जी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि तीन टाइप के फ्राई तो दोपहर में तो ख़त्म नहीं हुआ है ना फ्रेंड्स, वो रह जाएगा। तो आज के लिए मेरे ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में। सबसे जो बड़ी बात है, आप सब अच्छे रहे स्वस्थ रहे। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।